सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म हो चुकी है। पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर से निकली सोनिया गांधी, एक अहम खबर। कई घंटों की पूछताछ के बाद सोनिया गांधी ईडी दफ्तर से निकली हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ हुई। सोनिया गांधी से करीब 6 घंटे तक पूछताछ चली है। तकरीबन 6 घंटे तक सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की है। सोनिया गांधी से एक तरफ जहां पूछताछ चल रही थी, वहीं कांग्रेस के नेता धरने पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन करते रहे, सत्याग्रह पर बैठ गए। आज दिन में राहुल गांधी को हिरासत में भी लिया गया और कल भी जमकर प्रदर्शन हुआ, आज भी जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिला। और अब खबर यह है कि ईडी से पूछताछ के बाद सोनिया गांधी ईडी दफ्तर से निकल चुकी हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में उनसे पूछताछ चल रही थी, करीब 6 घंटे आज पूछताछ हुई है। 6 घंटे तक पूछताछ होने के बाद सोनिया गांधी, कांग्रेस की नेता, यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, वो अब निकल चुकी हैं ईडी दफ्तर से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अनिल। और क्या अपडेट है, किस तरह का प्रदर्शन रहा कांग्रेस का और इस पूछताछ को लेकर, और क्या अपडेट है? देखिए नासिर, जो सोनिया गांधी से पूछताछ थी ईडी की, वो लगभग 7 बजे खत्म हो गई थी। तकरीबन 6 घंटे ईडी की तरफ से आज सोनिया गांधी से सवाल जवाब पूछे गए, और जो कांग्रेस की तरफ से देश भर में है वो सत्याग्रह किया गया, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जो केंद्र सरकार है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। और जो सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, तकरीबन 6 घंटे आज पूछताछ हुई है, और जो जानकारी मिल रही है कि 7 से ज्यादा सवाल यहाँ पर ईडी की तरफ से सोनिया गांधी से पूछे गए। नेशनल हेराल्ड से संबंधित पूरे के पूरे सवाल वहां पर पूछे गए कि किस तरीके से वहां पर फंडिंग आई है, किस तरीके से फिर जो पैसा आया था वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तमाम सवाल जवाब वहां पर पूछे गए। फिलहाल तो जानकारी मिल रही है, जानकारी के हिसाब से कल भी सोनिया गांधी से एक बार फिर पूछताछ हो सकती है। और वहीं कांग्रेस की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी सत्याग्रह करते नजर आए, फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से राहुल गांधी समेत जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता थे सभी को हिरासत में लिया गया। संसद में भी कांग्रेस के जो सांसद थे वो प्रदर्शन करते नजर आए। जहां लगातार जो सोनिया गांधी से पूछताछ चलती रही, वहीं जो कांग्रेस का प्रदर्शन था वो भी उसके पैरेलल चलता रहा। शुक्रिया अनिल, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।